रविवार को नगर महेश्वर में केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संघ की शाखा का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी चौबे और विशेष अतिथि के रूप में महंत दादा और क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी सीताराम मकवाने कार्यक्रम में पधारे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनेश सहानी ने की। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की छाया चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अनेक पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए मानव सेवा के लिए लोगों को प्रेरित किया। अंत में वरिष्ठ समाज सेवी महंत दादा सीताराम मकवाने के शुभ हाथों से रिबिन काट कर शाखा के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में अनेक वरिष्ठ साथी आशीष चौबे जी प्रभारी केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संघ निमाड़ जोन के आतिश बिछवे नगर प्रभारी बादल चौबे कार्यालय प्रभारी राजनाथ पिपलदे मुरली शाहनी अमित भालसे रवि आड़तियो अंशुल चौबे आजाद हिरवे नारायण टपाल साथ ही नगर के युवा साथी गोविंद नागराज ने संस्थान में स्वैच्छिक रूप से 500 रुपए की सहयोग राशि भी प्रदान की। कार्यक्रम समापन के बाद संस्थान द्वारा सभी को स्वल्पहार कराया गया। आपने जो गठन किया है ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा तो हमारी जितने भी वरिष्ठ समाज सेवी साथ ही जो जमीन स्तर पर काम करते हैं परम आदरणीय ताई मेघाजी पेटकर उसके बाद में माधुरी बेन अन्ना भाऊ साठे के जो महाराष्ट्र में कई ऐसे वर्कर्स हैं जो पिछले 50 सालों से जमीन स्तर पे मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं श्रमिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और क्षेत्रीय स्तर पे इंदौर संभाग में दादा सीताराम मकवाने जी हैं नानूराम चाकरे जी हैं और कई ऐसे वरिष्ठ समाजसेवी लोग हैं जिनके साथ में हमको उनका मार्गदर्शन मिला और उन्होंने ही हमको प्रेरित करा कि आप लोग युवा हो पढ़े लिखे हो और आप जब बाबा साहब की बात करते हो तो बाबा साहब ने इतना बड़ा संघर्ष किया तो आप लोग भी जाकर उन लोगों की जनसेवा करें जो बेचारे हैं परेशान हैं जिनको मदद की आवश्यकता है तो उनके मार्गदर्शन में ही पिछले 10-12 साल से हम लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये संगठन जो आपने गठन किया है इसको कितना समय हो गया अभी तक? अभी तक ये एक वर्ष हो गया है और काफ़ी अच्छा हमको समर्थन मिल रहा है। लोग भी इससे काफ़ी तेज़ी से जुड़ रहे हैं और आपने देखी है कि राजस्थान में भी हमारे कार्यालय खुल गए हैं, दिल्ली में भी एक हमारा द्वारकापुरी में कार्यालय खुल गया है, इंदौर में मालवा मिल में कार्यालय खुल गया है, अभी एक कार्यालय और अभी हमारा निमरानी इंडस्ट्रियल एरिया में खुलने वाला है। तो बहुत अच्छा लोगों का समर्थन मिल रहा है और बहुत अच्छा हमें सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। आपका पद क्या है? मैं इस संस्थान में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हूँ और हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी हैं उनके मार्गदर्शन में ही मैं काम कर रहा हूँ। आपका शुभ नाम सर? एमडी चौबे। धन्यवाद सर। केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संघ के क्या उद्देश्य हैं और क्या कैसी प्रक्रिया है? केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संघ एवं मानव सेवा कल्याण संस्थान की जो हमारा संपूर्ण भारत में राजस्थान महाराष्ट्र दिल्ली मध्य प्रदेश में ये संस्थान कार्यरत है और आज दिनांक को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर परम आदरणीय महंत दादा सीताराम मकवानी जी के शुभ हाथों से आज महेश्वर में इसकी शाखा का उद्घाटन किया गया है और संस्थान का उद्देश्य स्पष्ट है कि जनमानस की जो समस्याएं हैं जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए जो गरीब तबके का वर्ग है मजदूर तबके का वर्ग है जो दर दर भटकता है उनकी मदद करना और सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई गई है उन योजनाओं का जो क्रियान्वयन गाँवों में विधिवत तरीके से हो पाए और अगर उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो संस्थान उसमें हस्तक्षेप करके उनको उन पात्र हितग्राहियों को उनकी योजनाओं का लाभ दिलवाने में उनकी मदद करता है। और हमारा यही संस्थान का मुख्य कार्य है कि भाई शिक्षा भी आज बहुत जरूरी है तो शिक्षा के लिए भी हम अपने छोटे छोटे जय खन्नी की रिपोर्ट।